नहीं कैमरा तो सही है तो सर देखो अभी जब लाइट आई एक बैग तो कैमरा भी एकदम सही होगा। यमुना जी के तट पर पहुंची, भगवान ने गोपियों का सम्मान किया, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करिवाणी वह, और पूछा प्रभु ने कि गोपियों सब की सब आज श्री यमुना जी के तट पर कैसे पधारी हो, क्या कोई कंस के द्वारा भेजा हुआ कोई असुर तो नहीं आ गया जिसके भय से तुम सबकी सब मेरे पास चली आई हो, या शरद की रात्रि की शोभा का अवलोकन करने तो नहीं आई। तुमने शरद की रात्रि को देख लिया है गोपियों, अब तुम घर लौट जाओ क्योंकि तुम्हारे पति, तुम्हारे पुत्र, तुम्हारी गौएं, तुम्हारे बंधु बांधव सब तुमको याद कर रहे हैं। पति चाहे दुशील हो, दुर्भागी हो, क्रोधी हो, कैसा भी क्यों ना हो, स्त्री का धर्म तो पति की सेवा करना है। गोपियां कहती हैं कि मैवम विभोर हति भवान गदितुम नशंसम संतज्ज सर्व विषयान स्तव पाद मूलम। प्रभु जिन जिन संबंधों की आपने हमसे चर्चा करी है हम आपसे पूछते हैं कि उन संबंधों के मूल में कौन है, किल बंधुर आत्मा, आप ही तो हो सबकी आत्मा, आपने ही तो कहा, तो जब आप ही हमें मिल गए तो हम और किसकी चाह ना करें। तो भगवान ने गोपियों के साथ पहले तो देखो महाराष्ट्र में प्रवेश करने से पूर्व रास किया है, पहले रास हुआ, जितनी गोपियां हैं उतने ही प्रत्येक गोपी के साथ प्रभु रास किए। लेकिन जब रास हो रहा था तो रास के मध्य में गोपियों को अभिमान हो गया, ये गर्व हो गया कि हमारे बराबर ऐसी कौन भाग्यशालिनी स्त्री होगी जो साक्षात भगवान के साथ हम नृत्य कर रही हैं। तो जब सुना तो भगवान अंतर्हिते भगवती सही सही ब्रजांगना, भगवान श्री राधा रानी को लेकर के गोपियों के मध्य से अंतर्धान हो गए थे। और जब थोड़ी देर में नृत्य करते करते गोपियों ने देखा अपने मध्य में कि कृष्ण नहीं है, श्री राधा रानी नहीं है, तो गोपियां लता पता वृक्ष भगवान की लीलाओं का अनुकरण गोपियां करने लगी हैं, और कृष्ण का पता गोपियों ने पूछा। जब बहुत देर हो गई प्रभु का दर्शन नहीं मिला तो देखो राधा रानी ने कहा कि प्यारे ये गोपियां आपके वियोग से कितना दुखी हैं, आप प्रकट हो जाइए। तो भगवान बोले कि किशोर जी अभी थोड़ी आगे चलो आप, मैं कुछ देर में प्रकट हो जाऊंगा। तो राधा रानी ने कहा कि प्यारे मैं एक कदम भी आगे अब नहीं रख सकती हूं, मैं बहुत थक गई हूं। तो एक मिट्टी का चबूतरा प्रभु ने श्री राधा रानी को दिखाया और कहा कि आप इस मिट्टी के चबूतरा पर खड़ी हो जाओ, हमारे कंधे पर बैठ जाओ। राधा रानी मान करके, गोपियों को अभिमान, श्री किशोर जी को मान हुआ, तो मान करके जब भगवान के कंधे पर आरूढ़ होने के लिए अपना चरण श्री किशोर जी ने उठाया तो नीचे की ओर भगवान झुके, मानो अपने कंधे पर श्री किशोर जी को बिठाएंगे। ये स्वरूप, ये रूप, ये दृश्य भागवत में है। तो नीचे की ओर ऐसे झुके, अपना कंधा किया, श्री किशोर जी ने अपना चरण जब उठाया
तो प्रभु तो अंतर्धान हो चुके थे। जब किशोर जी ने प्रभु का दर्शन नहीं किया तो प्रभु के वियोग में कि हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासि क्वासि महाभुज दास्यास्ते कृपणायामि सखे दर्शय सन्निधि। हे सखे, अपनी दासी राधा के मध्य में प्रकट होकर दर्शन देकर के आप कृतार्थ करें। हे श्याम सुंदर, हे श्याम सुंदर, इस प्रकार से किशोर जी के मुख से प्रभु का नाम निकल रहा था तो गोपियां पीछे से भगवान का अन्वेषण करती आ रही हैं। मार्ग में जब राधा रानी को मूर्छा अवस्था में गोपियों ने जब देखा तो गोपियां दौड़ करके गई, और इस अवस्था में श्री राधा रानी को देख करके गोपियों ने कहा कि हमारे प्यारे तो बहुत निष्ठुर हैं, हमें अब तक ये यकीन था, हमें विश्वास था कि हमारी किशोर जी हमारे प्यारे के साथ हैं, तो उनको वो लेकर के अवश्य आएंगी, परंतु इतने आज कठोर हो गए कि श्री राधे को भी छोड़कर के चले गए। तो राधा रानी को अपने हाथ का सहारा दिया और लौट करके गोपियां श्री यमुना जी के ही तट पर आई हैं, और गोपी गीत के द्वारा गोपियों ने आज प्रभु का मिलकर के आह्वान किया है। जिनको गोपी गीत आता हो आइए 19 श्लोक हम गाएं मिलकर के बिहारी जी के श्री चरणों में, संपूर्ण पाठ करें गोपी गीत का, बड़ा दिव्य पाठ है। क्योंकि जो लोग गोपी गीत का पाठ करते हैं डेली, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि उनको एक दिन बांके बिहारी का दर्शन अवश्य होगा। तो गोपी गीत का पाठ गोपियों ने प्रारंभ किया है, जिनको आता हो वो मेरे साथ जरूर गाइए मिलकर, क्योंकि एक साथ मिलकर के ही गाना चाहिए गोपी गीत। ऐसे नहीं कि मैं श्लोक बोलूं फिर आप बोलो, हमें एक साथ मिलकर के गोपी गीत गाना चाहिए। तो आइए हम सब मिलकर प्रभु का आह्वान करें, और जिनको नहीं आता हो तो कोई बात नहीं, उतना देर आंखें बंद करके बांके बिहारी जी का ध्यान करिए, ये बड़ा दिव्य पाठ है। यते सुरात चरणांगु गुरुस्तनेषु लीलासनै प्रियदधिर्महिमर्कशेषु तेनाकवी पटचितस्वरते रघुषु गोपियों ने गोपी गीत का पाठ प्रभु के श्री चरणों में समर्पित किया है, और एक एक श्लोक में गोपियों ने अपना अपना भाव, कोई और नहीं प्रकट किया, गोपियां केवल यही भगवान से मांगती रही, क्योंकि गोपियों ने केवल प्रभु से दर्शन की लालसा की है, केवल आपका प्रभु हमें दर्शन मिले, और कोई भी अभिलाषा प्रकट नहीं की। मैं कहा करता हूं हमेशा एक बात कि हम लोग इस बात को भूल जाते हैं, मांगने के महत्व को हम ज्यादा बढ़ा देते हैं और दर्शन के महत्व को गौण छोटा बना देते हैं, पर यह बात आप अपने मन में अच्छी तरह पक्की तरह ध्यान में रखना कि बिहारी जी का दर्शन में आपकी समस्त कामनाओं की पूर्ति छिपी है, आपकी समस्त कामनाओं को केवल दर्शन मात्र से ही बिहारी जी पूरा कर देंगे, आपको मांगना भी नहीं पड़ेगा उनसे, उनके दर्शन में वो शक्ति है।
क्या आपके हृदय की बात वो नहीं जानते? तो फिर अंतर्यामी कैसा है वो? कौन उसको अंतर्यामी कहेगा? गोपियों ने गोपी गीत में गाया है, खूब गाया है, लेकिन गोपियों ने कुछ मांगा नहीं। केवल गोपियों ने भगवान से दर्शन की कामना की है कि आपका दर्शन। तो मैं आपको कहूंगा कि आप यदि बिहारी जी का दर्शन करते आते रहे, हा? करने के लिए आप आते रहे श्री वृंदावन, तो आपकी समस्त कामनाओं को मेरे बाकी बिहारी पूरा कर देंगे। वो शक्ति है। क्यों? क्योंकि गोपियों ने कह दिया है कि जब से आप ब्रज में आए हो, जयति ते अधिकम जन्मना ब्रज। ये तो बात ठीक है कि ते जन्मना ब्रज अधिकम जयति, ये तो सब हम जानते ही हैं। लेकिन श्रयत इंदिरा, बिहारी जी कहते हैं और गोपियां इस बात को बता रही हैं गोपी गीत में, देखो बहुत ध्यान से सुनना ये बात। श्रयत इंदिरा, गोपियों ने ये बात कही है कि आपके आने पर इस ब्रज में अखंड लक्ष्मी का वास हुआ है। हम लोग बार बार दुखी हो जाते हैं, हमारी कोई इच्छा कामना पूरी नहीं होती और धन की लालसा को लेकर के हम पैसे के लिए भी लोग बहुत परेशान रहते हैं कि भाई हमारे ये इच्छा पूर्ण हो, हमारा ये काम, तो उसके लिए लक्ष्मी तो चाहिए, इंदिरा तो चाहिए ना। पर बहुत से लोग कहते हैं आती है जल्दी, हमारे हाथ से खर्च हो जाता है, खर्चा बहुत होता है। कहते ना लोग, आमंदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। गोपियां कहती हैं कि यदि आप ये चाहते हो कि खर्चा भी खूब हो और लक्ष्मी भी आपके यहां अखंड वास करे, तो अपने घर में बांकी बिहारी को बिठा लेना, क्योंकि जिस घर में बांकी बिहारी विराजमान हो जाते हैं उस घर का त्याग कभी लक्ष्मी करती नहीं है। श्रयत इंदिरा, श्रयत इंदिरा। गोपियां कहती हैं कि प्रभु आपका एक क्षण भी दर्शन जब नहीं होता तो ऐसा लगता है कितने युग व्यतीत हो गए। त्रित युगायते त्वाम पश्यता। उस विधाता को गोपियां कोस रही हैं ब्रह्मा को कि अरे बूढ़े ब्रह्मा, लगता है तेरी अकल मारी गई है, बुढ़ापे में तेरी बुद्धि खराब हो गई है, ये तूने हमारे पलक क्यों बना दिए, जिनसे आंखें बार बार हमारी बंद हो जाती हैं, ढक जाती हैं, ये पलक तूने क्यों बनाए, तुझे अकल नहीं है? क्योंकि इन पलकों से बार बार हम प्रभु के दर्शन से वंचित हो जाती हैं। ये हमारे और प्यारे श्याम सुंदर के बीच में ये पलक बाधक बन गई है, इतना भी दर्शन न मिले गोपियों को। तो गोपियां ब्रह्मा को भी कोस रही हैं, एक क्षण का दर्शन बंद हो जाए तो गोपियां छटपट आती हैं। ये गोपी भाव है, ऐसा हृदय में छटपटाहट प्रभु के दर्शन के लिए होनी चाहिए। कोई मांग मत करना। मैं देखता हूं मंदिर में जब प्रभु के सामने व्यक्ति जाता है, इसलिए तो आज व्यक्ति कहां कहां पर ठगा जाता है। लोग कहते हैं हमारी नौकरी लग जाए, हमारा व्यापार चल जाए, बोले ये कर दो वो कर दो, कितना लोग पैसा ठग लेते हैं। इन सब चक्रों में मत पड़ो, प्रभु के चरणों में विश्वास रखो, परिश्रम करो, मेहनत करो और अपने प्रभु के चरणों में, अपने आराध्य के चरणों में विश्वास रखो। क्योंकि गोपियों ने कहा है जिस घर में बांके बिहारी विराजमान हो जाते हैं वहां से कभी उस घर का लक्ष्मी त्याग नहीं करती है, कभी उस घर को छोड़ती नहीं है लक्ष्मी। ये ध्यान रखना
क्योंकि गोपियों ने बताया है जब से बांके बिहारी इस ब्रज में प्रकट हुए, इस ब्रज में आए, तब से इस ब्रज में अखंड लक्ष्मी वास करती है। इसलिए आपको मालूम होना चाहिए कि ब्रज में रहने वाला कोई भक्त, कोई रसिक, कोई भी रात को यहां मेरी राधा रानी किसी को भूखा नहीं सोने देती है। पेट भर करके ही सुलाती है। श्रयत इंदिरा, यहां इंदिरा माने लक्ष्मी तो अटखेलियां कर रही है। तो ये भूल मत करना, इन सब व्यर्थ की बातों में मत फंस जाना। जहां कोई बता दे वहीं पैसा हम लुटा देते हैं, नहीं नहीं, प्रभु चरणों में विश्वास करो, उनका भजन करो, उनको साक्षी मान करके अपने कार्य में आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, उनका नाम जप करो। क्योंकि जितना आप अपने इष्ट के बल को बढ़ाएंगे, देखो गुरु मंत्र हम क्यों लेते हैं, गुरु मंत्र का मतलब क्या है, हमको गुरु जी से एक इष्ट मिले। गुरु जी तो मिले, लेकिन केवल गुरु जी नहीं मिले, गुरु जी ने आपकी झोली में बांके बिहारी को डाला है, आपके इष्ट को डाला है। आपके इष्ट बांके बिहारी जी हैं। और आपको मालूम है ज्योतिष में जिसके पास इष्ट बल होता है वही ज्योतिषी अच्छा फल बता सकता है। केवल गणित लगा देना वो अलग बात है, लेकिन जब फलित की बात होती है, क्योंकि दो हैं गणित और फलित, गणित तो आजकल कंप्यूटर पर सब निकल आती है, सारे गणित बता देते हैं, लेकिन जब फलित की बात आती है तो सारे गणित भी फेल हो जाते हैं और फलित भी फेल हो जाती है। क्योंकि वहां पर इष्ट बल चलता है, जिस ज्योतिषी के पास इष्ट बल होगा वही सही आपका फलित बता सकता है। तो आपका इष्ट आपके पास है, आपने गुरु कृपा से अपने इष्ट बांके बिहारी जी को प्राप्त कर लिया है, तो फिर जब आपके पास इष्ट है तो अपने इष्ट बल को क्यों नहीं बढ़ाते हो, रोते क्यों हो? मेरे पास लोग आते हैं, गुरु जी फलाना काम नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, मैं सुनता रहता हूं, फिर मैं पूछता हूं कि भाई तुमने माला कितनी की, गुरु मंत्र की, बिहारी जी के मंत्र की, राधा रानी का कितना तुमने, कुंज बिहारी का कितना जाप किया? बोले आपने कहा था एक माला का आदेश, तो एक माला रोज हम कर देते, कमाल की बात है। अगर मैं एक माला का भी संकल्प नहीं कराता तो आप एक बार भी नहीं जपते, वो तो मुझे संकल्प करवाना पड़ा कि एक माला जपो कम से कम। जितना तुम अपने इष्ट के बल को बढ़ाओगे, आप अपने जीवन में ऐसा चमत्कार देखोगे कि तुम स्वयं नहीं समझ पाओगे कि हम कहां से कहां पहुंच गए। आपका कोई कार्य कभी रुक ही नहीं सकता है। आप इधर अपनी माला बढ़ाओ, अपने इष्ट के बल को बढ़ाओ, वहां तुम्हारे सामने तुमको देने वाला खड़ा है, ऐसा चमत्कार इष्ट का होता है। लेकिन हम इष्ट को भूल करके राहु केतु शनि इनमें सब घूमते रहते हैं। प्रेम से कहो श्री राम, ये राहु केतु में क्यों फंसते हो? आपको मालूम है शनि देव भी हमारे बांके बिहारी का परम भक्त है बचपन से। तो जब शनि देव के गुरुदेव को ही, उनके आराध्य को ही आप पकड़ लोगे तो शनि आपको कभी कष्ट दे सकता है? तो आप मूल में क्यों नहीं जाते, इधर उधर क्यों भटकते? शनि के इष्ट भी हमारे बांके बिहारी हैं। क्योंकि हमने मूल में पानी देना छोड़ दिया, मूल को हम भूल गए। अरे गुरु जी ने गुरु मंत्र दे दिया, बस ठीक है, हमने हमारे गुरु जी
बस हमने गुरु धारण कर लिए, बस इतने से इतिश्री नहीं है। जो आपको मंत्र मिला है गुरु मुख से, उस मंत्र का निष्ठा पूर्वक जाप करना, क्योंकि मूल में यदि आप पानी नहीं दोगे, उस इष्ट बल को यदि नहीं बढ़ाओगे, तो फूल जीवन में कैसे खिलेंगे। इसलिए तो जीवन में प्रसन्नता के, खुशी के फूल हमारे नहीं खिल रहे हैं, हम रोने लगते हैं बार बार। तो जितना आपके पास इष्ट बल बढ़ेगा, जितना आप नाम जब बिहारी जी का करोगे, प्रभु का करोगे, उतना आप सामर्थ्यवान बनते जाओगे, आपकी शक्ति का विकास होगा। आपका कोई कार्य संसार में कभी रुक ही नहीं सकता है। आप स्वयं ये समझ नहीं पाएंगे कि जिसके लिए हम इतना परेशान हो रहे थे और ऐसे वो कार्य हो गया, क्योंकि ये बात मैं केवल व्यास गद्दी से आपको कोई समझाने के लिए नहीं कह रहा हूं। जिन जिनको मैंने इष्ट बल का बढ़ाने का आदेश किया और जिन्होंने इष्ट बल को बढ़ाया माला के द्वारा, प्रभु के भजन के द्वारा, उनके कार्य ऐसे हो गए। मैं हजारों ऐसे शिष्य परिवार हैं, दो चारों की बात नहीं है, हजारों देश और विदेश में जिन्होंने बिहारी जी के बल को बढ़ाया, अपने इष्ट के बल को बढ़ाया, माला को बढ़ाया, और उनके छोटे छोटे कार्य तो ऐसे हो गए जिसके लिए हम परेशान, बेटी की शादी नहीं होती, बेटी की शादी नहीं होती, ये नहीं होता, वो नहीं होता, रात दिन हम उसके लिए परेशान रहते हैं। लेकिन ऐसे जैसे जैसे इष्ट बल बढ़ता गया, वैसे वैसे उसके सारे काम चमत्कार के रूप में होते गए, ऐसे चमत्कार। मेरे बिहारी जी चमत्कार करते हैं, बस उनका बल बढ़ाओ, निष्ठा पूर्वक उनके मंत्र का जाप करो, बस उनकी शरणागत हो जाओ। जिन्होंने बिहारी जी की शक्ति को जाना है, पहचाना है, उन्होंने माना भी है और उन्होंने अपने जीवन में अपने आसपास के लोगों को बिहारी जी की शक्ति को भी बता दिया है। और मैं तो उठते बैठते चलते फिरते राधा रानी और बिहारी जी की महिमा और उनकी शक्ति, उनका चमत्कार का प्रतीक्षण दर्शन करता ही रहता हूं। मैं कल कह रहा था कि कुछ दिन पूर्व कथा से पहले मैं, क्योंकि मौसम आजकल बदल रहा है, काफी जुखाम, सर्दी, खांसी, काफी दिन से मुझे थोड़ा सा खांसी थी और थोड़ा फीवर भी हमको हो गया, तो हमने गौरव कृष्ण जी को कहा कि वृंदावन की कथा इस बार आप कर देना, तो वो तैयार थे। लेकिन मैंने एक दिन पहले, क्योंकि मुझे बहुत खांसी, बहुत जुखाम हो रहा था, शायद आप लोगों को राधा रानी ऐसी लीला करती हैं कि किसी को, आज मैं अब विश्राम की बेला में जा रहा हूं इसलिए आपको बता रहा हूं ये बात, नहीं तो आप सब लोग मेरा स्वास्थ्य ही पूछते रहते रोज रोज कि गुरुजी आपकी खांसी ठीक है, गला आपका ठीक है, क्योंकि अब तो एक दिन ही है ना, तो काफी दिन से मुझे थोड़ा सर्दी लगी हुई थी। तो हमने एक दिन पहले ही बिहारी जी को कहा कि आपका उत्सव ठीक है, गौरव जी भी करेंगे आगे, वो भी करेंगे ही, लेकिन ये सेवा हमसे क्यों छुड़ाते हो आप, होली का उत्सव जब प्रचार हो गया है तो हमारी खांसी और हमारी सर्दी जुखाम को आपको दूर करना पड़ेगा। आप सच मानना, रात को मैं बहुत परेशान था कि बहुत खांसी थी हमको, बहुत जुखाम था, मुझे बोला भी नहीं जा रहा, सबको मालूम है, आप लोगों को नहीं मालूम होगा, लेकिन मेरे परिकर को सबको मालूम है,
तो हमने किशोर जी को बिहार जी को कहा और सवेरे हम जब उठे तो उठते ही हमने सबसे पहले अपना गला चेक किया। ये सच बात है, मैंने बाजा उठाया और सा दबाया। रोज में कोई नियम पूर्वक हम कोई प्रैक्टिस नहीं करते, कोई मैं अभ्यास नहीं करता, लेकिन हां कभी कभी हम कर लेते हैं। जब कोई भजन सुबह सुबह बिहार जी को सुना दिया तो जब मैं बैठा सा के लिए, मैंने सा पर अपना हाथ रखा, उंगली रखी और देखा तो गला एकदम खुल गया था। और उस दिन गुरु माता को भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि सुबह सुबह ये बाजा लेकर कैसे बैठ गए। उनको भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज सुबह सुबह मुझे चेक करनी थी आवाज के, भाई गला ठीक है कि नहीं, कथा कर पाऊंगा या नहीं, इतनी खांसी, इतना खराश। लेकिन अब देखो ये तो छोटी बात है, लेकिन आप लोगों के लिए छोटी हो सकती है। मुझे तो सात दिन बिहार जी का गुणानुवाद गाना था, किशोर जी का गुणानुवाद गाना था, तो मैंने और यदि मुझे और कोई तकलीफ होती तो मैं बिहार जी को तंग नहीं करता, मैं कभी नहीं करता हूं।